आस्था के बाद अब देश की महिलाओं की परवाह, जो घर से लेकर दफ्तर तक काम के बोझ तले जीने को मजबूर है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही 26 साल की एना सेबास्टियन पियरिल की मौत हो गई। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उनकी मां के आरोपों के मुताबिक काम के बोझ की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। एना की मां ने पुणे में मौजूद इस प्राइवेट कंपनी के हेड को बाकायदा एक लेटर लिखा और कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर कई सवाल पूछे। साथ ही अपने लेटर में ये भी दावा किया कि उनके बेटी के अंतिम संस्कार में उनके दफ्तर से कोई शामिल नहीं हुआ। हालांकि कंपनी ने अपनी सफाई में परिवार के संपर्क में होने और हर मुमकिन मदद की बात कही है। एना की मौत की वजह वर्क प्रेशर और वर्क कल्चर को बताया गया। इसे लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एना की मौत पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को यह रिपोर्ट 7 से 10 दिन के अंदर देने को कहा गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक अगर जांच में कंपनी दोषी पाई गई तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उसमें परफेक्ट रीजन स्टडी करना होगा। हमने उसके लिए ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मांगी है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा उसमें एक्शन करना होगा तो एक्शन भी करेंगे। जो गलती है इंस्टीट्यूट की यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तो उसको भी नहीं छोड़ना है, और नहीं गलती है तो सजा भी नहीं करना है। हमें रीजन परफेक्ट लेना चाहिए। एना की मौत की वजह क्या थी ये जांच रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन अब आपको एक ऐसे आंकड़े से हम रूबरू कराने वाले हैं जो भारत की नौकरी पेशा महिलाओं पर काम के बोझ की दुर्दशा बयां करते हैं। देश के मशहूर इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आईटी और मीडिया सेक्टर में काम करने वाली भारतीय महिलाएं हर हफ्ते 56.5 घंटे काम करती हैं, जो किसी भी जॉब में सबसे ज्यादा है। अगर हफ्ते में 5 दिन की ड्यूटी के हिसाब से देखें तो आईटी और मीडिया सेक्टर की महिलाओं ने रोजाना 11 घंटे से ज्यादा काम किया है। वहीं अगर हफ्ते में 6 दिन की ड्यूटी के हिसाब से देखें तो इस सेक्टर की महिलाओं ने रोज 9 घंटे से ज्यादा काम किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र की लड़कियों पर काम का बोझ ज्यादा है। आईटी मीडिया सेक्टर में काम करने वाली 15 से 24 साल की लड़कियों ने हर हफ्ते 57 घंटे से ज्यादा काम किया, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। यानी कि भारत में महिलाएं पूरी दुनिया के मुताबिक एक हफ्ते में सबसे ज्यादा काम करती हैं अपने दफ्तर में। दुख की बात यह भी कि प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड की टोटल वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी 10% से कम है। वो हिस्सेदारी 8.5% है, जबकि आईटी और मीडिया सेक्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 20% है। यानी कि काम ज्यादा करती हैं पर हिस्सेदारी अभी भी बेहद कम। भारतीय महिलाएं सिर्फ ऑफिस में ही वर्क प्रेशर नहीं झेलती बल्कि घर आकर के भी उन्हें आराम नहीं मिलता। सच तो ये है कि कामकाजी महिलाओं को डबल शिफ्ट करनी पड़ती है, एक शिफ्ट घर में और फिर दूसरी दफ्तर में। हिंदू में ही प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एक नौकरी पेशा पुरुष ने हर दिन 166 मिनट अनपेड वर्क यानी घरेलू काम किया, तो एक नौकरी पेशा महिला ने इससे दुगुना काम रोज अपने घर के अंदर किया है, 348 मिनट रोजाना घरेलू काम किया है। अब जरा शादीशुदा नौकरी पेशा लोगों का हाल देखिए। तो साल 2019 में शादीशुदा पुरुषों ने हर दिन केवल 166 मिनट घरेलू काम किया है, तो ऐसी महिलाओं ने रोजाना 477 मिनट घर के काम किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर राज्यों में 10 से 40% तक नौकरी पेशा पुरुषों ने घरेलू काम किया, तो इन्हीं राज्यों में 85% से ज्यादा कामकाजी महिलाओं ने घर के काम किए। नौकरी पेशा महिलाओं के वर्किंग आवर्स यानी कामकाजी घंटे का ये अंक गणित बेहद चिंताजनक है। अक्सर हम घर और दफ्तर दोनों जगह काम करने वाली महिलाओं को सुपर वुमन का खिताब देते हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। महिलाएं भी इंसान ही हैं, वो रोबोट नहीं है। उन्हें भी उतने ही आराम की जरूरत है जितना किसी नौकरी पेशा पुरुष को। सबसे बड़ी बात तो ये कि काम के घंटे को कम करने के साथ साथ काम के बोझ को भी हल्का करने की जरूरत है, ताकि काम उबाऊ नहीं बल्कि मजेदार लगे। वरना एक टैलेंटेड सीए एना की मौत का उदाहरण हम सबके सामने है।